वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तेलुगु फिल्म भीष्मा सिंगल फॉर एवर का। तो नितिन रेड्डी के लिए रोमांटिक कॉमेडी या फिर कॉमेडी ड्रामा या फिर एक्शन कॉमेडी फिल्में, ये जो जोनर है ये कोई नई बात नहीं है। वो काफी लंबे समय से इसी टाइप की फिल्में करते आ रहे हैं। सिर्फ लाई को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने लगभग लगभग पिछले साल कुछ सालों में सिर्फ ऐसी ही फिल्में की हैं, और जिसके वजह से उन्हें पिछले कुछ समय में असफलता भी हाथ लगी थी। पर भीष्मा के बारे में कहा जाए तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि 2020 में अब तक जितनी भी कहूंगा कि रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा, एक्शन ड्रामा या फिर एक्शन कॉमेडी फिल्में जितनी भी अब तक रिलीज हुई है, उनमें से सबसे बेहतरीन कॉमेडी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे इस फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म की कास्टिंग। नितिन रेड्डी, रश्मिका मंदेना, अनंत नाग जी, नरेश, वेनल किशोर, संपत, हर किसी को उस टाइप का रोल इस फिल्म में दिया गया है जिस रोल के लिए हर एक एक्टर को यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। मतलब कहना चाहूंगा कि हर किसी को वो रोल दिया गया है जिस टाइप का रोल उन्होंने इससे पहले भी काफी बार कर चुके हैं, और यहाँ पे हर एक एक्टर ने अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। फिल्म में अनंत नाग जी को छोड़ दिया जाए तो हर कोई इस फिल्म की कॉमेडी में या फिर कहें कि इस फिल्म की दमदार कॉमेडी में अपना बहुत ही अच्छा खासा योगदान देने में कामयाब रहता है। और ये फिल्म आपको फिल्म के पहले सीन से लेकर फिल्म के आखिरी सीन तक जरूर हंसाएगी, और कहना चाहूंगा सिर्फ हंसाएगी नहीं, बहुत हंसाएगी, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म के इंटरवल पर, फिल्म के इंटरवल के बाद, फिल्म के क्लाइमेक्स पर आपको काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म के इतने सारे ट्विस्ट फिल्म की रूटीन स्टोरी को छुपाने के लिए डाले गए हैं। पर फिर भी कहना चाहूंगा फिल्म के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और कहूंगा कि वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी नजर आते हैं। पर कहीं ना कहीं फिल्म के क्लाइमेक्स में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट डालने की कोशिश की गई है, जहां पर कुछ ट्विस्ट लॉजिकल हैं और कुछ थोड़े से आप समझ सकते हो। और बात करें फिल्म के एक्शन की, तो फिल्म का एक्शन मुझे बहुत ही पसंद आया, जहां पर फिल्म के सेकेंड हाफ में फॉर्मल गेटअप के साथ नितिन रेड्डी का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है। और उसी दौरान जो कैमरामैन का जो काम है वो भी बहुत ही बढ़िया है, जो कि सभी एक्शन सीन्स को और ज्यादा दमदार तरीके से पेश करने में कामयाब रहते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी और ह्यूमर, इन दोनों चीजों को फिल्म के काफी सारे हिस्से में डायलॉग्स के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और मैं कहना चाहूंगा इस फिल्म में नितिन रेड्डी और वेनल किशोर, इन दोनों के जितने भी कॉमेडी डायलॉग्स हैं या फिर कहीं कॉमिक पंचेस हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। बात करें फिल्म के एल्बम की या फिर कहें फिल्म के गानों की, तो एक रोमांटिक कॉमेडी या फिर एक एंटरटेनिंग फिल्म की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होते हैं उसके गाने। और कहना चाहूंगा फिल्म का जो एल्बम है वो ठीक ठाक है, जहां पर मुझे व्हाट ए ब्यूटी सॉन्ग्स के अलावा और कोई भी गाना इतना कुछ खास लगा नहीं। फिल्म का व्हाट ए ब्यूटी सॉन्ग जो है वो बहुत ही बढ़िया है कहना चाहूंगा, और उस गाने की जो कोरियोग्राफी है वो भी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा फिल्म के जितने भी गाने हैं वो भले ही इतने कुछ खास ना हो, पर सभी गानों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पिक्चराइज किया गया है, और सभी के सभी गाने काफी कलरफुल नजर आते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड नजर आता है। इस फिल्म में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा एक टॉपिक भी देखने को मिलेगा, जहां पर ये साफ जाहिर होता है फिल्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग को फिल्म में कंटेंट डालने के लिए रखा गया है। और इस पूरे पोर्शन को अनंत नाग जी अपने हाथों पर या फिर अपने कंधों पर बहुत ही अच्छी तरीके से उठाकर चलते हैं, और उन्होंने इस पूरे कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है। उनके दमदार डायलॉग्स, उनकी दमदार आवाज काफी सारे सीन्स को बहुत ही इफेक्टिव बनाती है। इस फिल्म में आपको नेगेटिव रोल में नजर आएंगे बंगाली एक्टर जिसुसेन गुप्ता, जिनका काम भी इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया है। वो भी फिल्म में एक नेगेटिव शेड में काफी स्टाइलिश नजर आते हैं, और मैं कहना चाहूंगा उन्होंने रिसेंटली जितनी भी तेलुगु फिल्मों में काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है, और कहना चाहूंगा कि मुझे शायद लगता है कि आने वाले समय में भी वो हमें काफी सारी तेलुगु फिल्मों में नजर आ सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इस फिल्म का, वो ये है कि ये फिल्म अपने रिलीज से पहले कोई ज्यादा उम्मीद या फिर कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्रिएट नहीं कर रही थी, जिसके वजह से जब हम इस फिल्म को थिएटर में देखने जाते हैं तो ये फिल्म हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है। और कहना चाहूंगा फिल्म में मैंने इतनी अच्छी कॉमेडी की उम्मीद नहीं रखी थी, और ये फिल्म मुझे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और कहना चाहूंगा एक रूटीन स्क्रीन प्ले या फिर कहीं की रूटीन स्टोरी होने के बावजूद भी ये फिल्म आपको एक भी पॉइंट पर बोर नहीं करेगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो भीष्मा एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी फिल्म है, जहां पर आपको थोड़ा सा एक्शन और थोड़ा सा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.1 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।